आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं एडवांस एक्सेल विद फॉर्मूला और हम बात करेंगे होम मेन्यू बार की। इससे प्रीवियस क्लासेस में हमने फाइल में बताया था कैसे सेव सेव एज वगैरह करते हैं, जो फाइल प्रोसीजर थी ऑप्शन में बताया था। हम आज बात करेंगे होम मेन्यू बार। एक्सेल की पहली क्लासेस है जिसमें हम बात कर रहे हैं होम मेन्यू बार में, हम बात करेंगे क्लिप बोर्ड के बारे में, मतलब की कॉपी एंड पेस्ट के बारे में। बात करते हैं कॉपी पेस्ट क्या होता है, क्या चीजें हैं। अब ये चीजें बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि मोस्टली जो भी वर्किंग प्रोफेशनल उनको आता है ये कॉपी पेस्ट क्या है, बट हम इसमें बात करेंगे पेस्ट स्पेशल के कुछ ट्रिक्स के बारे में आपके साथ। इसी जनरली आप कॉपी करते हैं और कहीं पे पेस्ट करते हैं, जैसा है वैसा ही पेस्ट होता है, बट आपके पास एक फैसिलिटी है पेस्ट स्पेशल का। जी हाँ, पेस्ट स्पेशल का एक फैसिलिटी है जिसमें आपके पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं। तो क्या है पेस्ट स्पेशल, तो मतलब कि कॉपी एंड पेस्ट करते हैं तो क्या होता है, जैसा डेटा है सेम उसी तरह का आता है, लेकिन मुझे इसमें से कुछ पार्ट को पेस्ट करना है, पूरी की पूरी डेटा नहीं पेस्ट करनी है, या डेटा पेस्ट करना है, फॉर्मेटिंग नहीं करना है, फॉर्मूला करना है, वैल्यू नहीं करना वगैरह वगैरह। तो इसकी जो अपने हिसाब से पेस्ट करने के लिए पेस्ट स्पेशल है। कैसे करेंगे, बस कॉपी कर लिया, जहां भी पेस्ट करना है उस लोकेशन पे जाइए, राइट क्लिक कीजिए पेस्ट स्पेशल और ये आपके सामने ऑप्शंस है। अगर आपने ऑल पे क्लिक करके ओके कर दिया तो जैसा डेटा है उसी तरह का पेस्ट हो, लेकिन पेस्ट स्पेशल में अगर आपने किया फॉर्मूला तो जो इस सेल के अंदर जो फॉर्मूला लगा हुआ है उस फॉर्मूले को पेस्ट करें। आप बोलेंगे दो चीज आपके यहां दिख रही होगी, पहली चीज कि नेम में तो कोई फॉर्मूला नहीं है, रोल में कोई फॉर्मूला नहीं है, तो इसने पेस्ट क्यों किया। बेसिकली इसने जो फॉर्मूला बार में दिख रहा है, यहां जो दिख रहा है ना फॉर्मूला बार के अंदर, उसको पेस्ट कर रहा है। ओके, मतलब कि फर्स्ट जो फॉर्मूला आपने किया तो जो फॉर्मूला बार में विजुअल है, अगर कोई डेटा विजुअल है तो डेटा दिखेगा, कोई फॉर्मूला विजुअल है तो कोई फॉर्मूला दिखेगा। तो फॉर्मूला बार के अंदर जो चीजें होती है उसको पेस्ट स्पेशल में फॉर्मूला सिलेक्ट करके पेस्ट होता है। दूसरा आप देख रहे हो कि मेरा नंबर बार बार चेंज होता है, ऐसा इसलिए कि हमने यहाँ रैंड बिटवीन का फॉर्मूला लगाया हुआ है। रैंड बिटवीन क्या कर रहा है, रैंडम नंबर देता है। जी हाँ, रैंडम नंबर जैसे ओटीपी होता है ना उस टाइप का। अब यहाँ पे हम कॉपी करते हैं, अगला ऑप्शन आता है पेस्ट एज ए वैल्यू। पेस्ट एज ए वैल्यू मतलब कि मैं फॉर्मेटिंग फॉर्मूला सब कुछ हटाना चाहता हूँ, जो यहाँ विजुअल है जो वैल्यू दिख रही है उसको पेस्ट करना है, तो हम पेस्ट एज ए वैल्यू को सिलेक्ट कर लेते हैं। पेस्ट एज ए वैल्यू में क्या है कि आपका जो फॉर्मूला हट गया, फॉर्मेटिंग हट गया, बॉर्ड सब हट गया ना। ऐसे मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए फॉर्मूला लगा, हर बार चेंज होता है, तो मुझे अगर इसकी फॉर्मूला रिमूव करना है, मैं चाहता हूँ जो 58 जो नॉर्मल है वो नॉर्मल नहीं, जो 58 जो फॉर्मूले से आ रहा है वो नॉर्मल जो टाइप करने वाली जो 58 होती है वो हो जाए, उस केस में क्या करेंगे, ऐसा वैल्यू पेस्ट कर देंगे। तो इसको सिलेक्ट करेंगे और इसी के ऊपर पेस्ट स्पेशल और यहां पे पेस्ट एज ए वैल्यू कर देंगे। ओके, देखिए हट गया, रिप्लेस हो गया। सर, अब क्वेश्चन यहां पे आता है कि इसका बेनिफिट क्या है, तो चलिए एक छोटा सा हम आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। मान लीजिए ह्यूमन सोर्स का रिपोर्ट ये दिखा देते हैं। अब मेरे पास एक डेटा है, अब मुझे ये रिपोर्ट बनी हुई है, और रिपोर्ट बनी है ये दो डेटा से। मान लीजिए ये रिपोर्ट किसी को मुझे मेल करना है, इसके साथ इसका जो दोनों डेटा है ना वो डेटा भी मेल करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जो रिपोर्ट देख रहे हैं एक ये फॉर्मूला से लिंक्ड है,
तो मेरे सिस्टम पे तो आपको दिख रहा है, बट आपके सिस्टम पे अगर डेटा नहीं हुआ तो नहीं दिखेगा। सबसे पहले सिर्फ मुझे इसमें तीन चार शीट्स है, इसमें सिर्फ डैशबोर्ड को ही मेल करना है, मतलब कि मुझे सिर्फ इस सीट को ही मेल करना है। इसके लिए क्या करेंगे, सीट के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, मूव एंड कॉपी, मूव एंड कॉपी पे जाएंगे और यहां पे हम न्यू बुक को सिलेक्ट कर लेंगे, न्यू बुक। इससे क्या हुआ कि एक नई फाइल में, क्रिएट कॉपी पे क्लिक करना मत भूलिएगा वरना मूव कर देगा। तो क्रिएट कॉपी पे क्लिक कर दिया तो क्या करेगा, इस डैशबोर्ड को एक कॉपी क्रिएट करते हैं एक नई फाइल में, कॉपी पेस्ट तो करेगा बट नई फाइल में। हाँ, नई फाइल में क्रिएट करते हैं, ठीक है। इस स्लाइसर यहां पे ब्लैंक है क्योंकि इसमें स्लाइसर था, तो स्लाइसर नहीं आता है, उसको फुल उसको फिलहाल भूल जाइए। अब मुझे रिपोर्ट किसी को मेल करना है तो कैसे करें, क्योंकि ये फाइल तो देखिए मेरे पास इस फाइल से लिंक कर डेटा हमारा। तो हम क्या करेंगे कि पूरे शीट को सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे और इसी के ऊपर पेस्ट स्पेशल, पेस्ट एज ए वैल्यू कर देंगे। पेस्ट एज ए वैल्यू करने से क्या होगा कि आपका जो ये फॉर्मूला का लिंक है वो लिंक हट जाए। आप किसी को सेव करके मेल कर दीजिए। तो मतलब कि हम जब कोई मैं कोई फॉर्मूले के जरिए कोई रिपोर्ट बना, रिपोर्ट मुझे किसी को भेजना होता है और मैं चाहता हूं कि मेरा डेटा ना जाए, तो पेस्ट स्पेशल में पेस्ट एज ए वैल्यू का इस्तेमाल करते हैं। अब चलिए कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम है उसको भी देख लेते। हमने कॉपी किया, यहाँ पे राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल फॉर्मेट, फॉर्मेट पे सिर्फ फॉर्मेटिंग पेस्ट होगा। इसमें इसकी डेटा पेस्ट नहीं होगी सर। इस तरह से एक होता है कमेंट्स, मतलब क्या होता है कि इससे रिलेटेड कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन है तो मैं राइट क्लिक करके यहां न्यू कमेंट पे जाके हम किसी तरह का कमेंट लिख सकते हैं कि दिस इज फाइनल मार्क्स, फाइनल मार्क्स आपको दिख गया। इसमें ये है अब मुझे मान लीजिए कि इसमें इसका डेटा वगैरह पेस्ट नहीं करना है, जो डेटा दिख रहा है मुझे डेटा पेस्ट नहीं करना है, मुझे पेस्ट करना है सिर्फ इस पे जो कमेंट है उस कमेंट को। तो कॉपी कीजिए, जहां पेस्ट करना है उस एरिया को सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, कमेंट, ये आपका कमेंट पेस्ट हो गया। इसमें बात आती है कि मुझे इसमें एक चीज और है कि जब इसको कॉपी करके पेस्ट करते हैं तो इसमें बॉर्डर नहीं चाहिए मुझे, तो मैं यहां पे एन ऑल स्टेप्ड बॉर्डर करके ओके कर दूं, तो सब कुछ पेस्ट होगा, बॉर्डर पेस्ट नहीं होगा। दूसरी चीज, अभी थोड़ा देर पहले आपने देखा था हमने एक रिपोर्ट लिया था, उसमें क्या होता है जब रिपोर्ट बनाते हैं तो अपने कॉलम के हेडिंग अपने प्रिंटिंग एरिया के अकॉर्डिंग या एक पेज पे व्यू हो हम उसको कम बेसी कर लेते हैं, बट जब डेटा को सिलेक्ट करते हैं और कहीं पे पेस्ट करते हैं तो प्रॉब्लम क्या होती है कि उसकी कॉलम विड्थ पेस्ट नहीं होती है। जैसे देख लीजिए, मैं अगर नॉर्मल कॉपी पेस्ट करता हूं तो आपका पूरा डेटा हर एक चीज आएगा बट कॉलम की विड्थ नहीं आएगा। मैं चाहता हूं कॉलम की विड्थ आए, उस केस में पेस्ट स्पेशल कॉलम विड्थ को क्लिक कीजिए एंड ओके कीजिए। ध्यान रखिए कॉलम विड्थ में सिर्फ कॉलम का विड्थ आएगा, डेटा नहीं, तो फिर वापस कॉपी पेस्ट कर दीजिए, इसमें आपका डेटा आ जाएगा। मतलब दोबारा मैं समझाता हूँ, जब मैंने पेस्ट किया तो पेस्ट करने में डेटा आया, कॉलम विड्थ नहीं आया, फिर वापस इसी के ऊपर मैं पेस्ट स्पेशल में कॉलम विड्थ को सिलेक्ट कर लूंगा।
कॉलम विड्थ को सिलेक्ट करके जैसे ही मैं ओके करूंगा तो अब जो है देखिए सिर्फ कॉलम विड्थ ही पेस्ट हुआ, अब नो पेस्ट हो गया। आपके पास अपडेटेड एक्सेल है तो जब आप राइट क्लिक पे पेस्ट स्पेशल करते हैं तो यहाँ पे आइकन्स होते हैं, इस पे भी आइकन्स होते हैं। इसी में ये आइकन आपको दिख रहा होगा कीप सोर्स कॉलम विड्थ, इसमें क्या होगा कि डेटा भी पेस्ट हो जाएगा और कॉलम विड्थ भी पेस्ट हो जाएगा, दोनों पेस्ट हो जाएगा, इसका यूज कर सकते हैं। अब आगे इसमें बढ़ते हैं, कभी कभी क्या होता है कि हमारे डेटा में डेट्स भी होते हैं, जैसे कि यहां डेट है, डेट है। अब मैं इसको कॉपी करता हूं, कॉपी करने के बाद कहीं पेस्ट करता हूं तो नॉर्मल अगर कॉपी पेस्ट करते हैं तो जैसा है उस तरह से आ जाता है, फॉर्मेटिंग वगैरह सब कुछ, फॉर्मूले भी है तो फॉर्मूले भी आएगा। तो हमें फॉर्मूले फॉर्मेटिंग हटानी होती है तो हम लोग क्या करते हैं, पेस्ट एज ए वैल्यू। अब पेस्ट एज ए वैल्यू करने पे इस तरह के नंबर्स आ जाते हैं। अब मुझे एक चीज पता करना है कि नंबर है क्या, ठीक है। तो ये नंबर को पहले समझिए, ये नंबर है, कोई किसी तरह का कोड नहीं है, ये नंबर ऑफ डेज है। नंबर ऑफ डेज है, जब से कंप्यूटर कैलेंडर बना है तब से जो डेट डली है तब तक। जैसे कि अगर आप 1 जनवरी मैंने डाला तो इसे 1 जनवरी टाइप हुआ, लेकिन अगर हम इसकी जनरल फॉर्मेट कर दें तो ये है 43/8/31, मतलब कि इतने दिन हो चुके हैं कैलेंडर। सिस्टम ने क्या होता है, जब डेट टाइप करते हैं तो वो नंबर ऑफ डेज में स्टोर करता है, नंबर ऑफ डेज में। तो कैसे इसको प्रूफ करेंगे, जैसे मैंने अगर सिस्टम पे यहाँ 1 लिख दिया, मैंने कि कैलेंडर का पहला दिन, अगर इसको डेट फॉर्मेट में हम यहाँ पे फॉर्मेट पे चेंज करते हैं तो 1 जनवरी 1900। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि आपके यहाँ पे क्या है कि आपके जो सिस्टम में है वो 1/1/1900 की डेट से पहले के डेट अगर एंट्री करते हैं तो एज ए डेट नहीं, वो क्या होगा, वो होगा सिस्टम का पहला दिन, माने कि कंप्यूटर कैलेंडर का पहला दिन। अगर मैं इसमें अगर 31 डाल दूं तो वही आखिरी दिन आ गया, अगर 32 डालूं देखिए महीना चेंज हो गया, फरवरी आ गया। ऐसे 367 दिन 367 कर देता हूं तो ये देखिए ईयर चेंज हो गया। ऐसे ही आपका 4/3/8/3/1 करता हूं तो ये आपका 1/1/2020 आ जाता। इन शॉर्ट समझ लीजिए ना कि जब आप डेट टाइप करते हैं, जैसे मैंने मान लीजिए आज का दिन अगर टाइप किया तो क्या हो जाएगा, आज का दिन टाइप होते ही जैसे आप एंटर मारोगे तो जो डेट का जो फॉर्मेट है वो कैलकुलेट कर लेगा कि कंप्यूटर कैलेंडर से 20 जुलाई तक कितने नंबर ऑफ डेज हुए, उस हिसाब से डाल देगा और यहाँ पे आपको डेट शो होगा। पर डेट सो अगर डेट होगा लेकिन एक्चुअल में जब इसकी सारी फॉर्मेट हटाते हैं, जनरल करते हैं तो उसने स्टोर क्या किया, 44032 किया। जब इस पे हम डेट का फॉर्मेट अप्लाई करते हैं तो डेट के अकॉर्डिंग वो अपने आप को कन्वर्ट करके यहाँ पे डेट दिखा देता है, डेट की फॉर्मेट। अभी क्या है तो समझ गए, अब बात करते हैं कि ऐसा क्यों है। अब इसको एक बार समझते हैं,
अब ऐसा इसलिए है, जैसे आपने यहां पे लिखा 1 जनवरी 2020 लिख रहे हो, ठीक है, अच्छा है, इस पे किसी भी तरह का मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हो जाता है, लेकिन क्या सिस्टम कहता है कि किसी भी नंबर के साथ अगर कोई अल्फाबेट डला हुआ है तो उस पे किसी भी तरह की कैलकुलेशन नहीं की जा सकती। बट यहां तो हो रहा है, क्योंकि ये अल्फाबेट आपको दिख रहा है बट एक्चुअल में हमारा नंबर है 43831 और हमारा रिजल्ट भी एक्चुअल में 43851 आ रहा है। तो डेट की जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट क्या करता है, डेटा की विजिबिलिटी को चेंज कर देता है। जब हम डेट का फॉर्मेट अप्लाई करते हैं तो इसकी विजिबिलिटी चेंज करके नंबर टू डेट शो कर देता है। तो इस तरह से ऐसा ही किया गया। ओके जब हम कॉपी करके पेस्ट करते हैं तो उसमें ऑप्शन दिया जाता है रिमूव ऑल फॉर्मेट। तो क्या हुआ, जब डेट भी एक तरह का फॉर्मेट है तो पेस्ट स्पेशल करते समय वैल्यू जब करते हैं तो पूरी फॉर्मेटिंग गायब हो जाती है, लेकिन हमें दोबारा से फॉर्मेट अप्लाई करना। तो मुझे जो डेट की फॉर्मेट है, चाहे टाइम की फॉर्मेट है, या फिर डॉलर साइन है, या फिर डेसिमल्स है, परसेंटेज है, जो नंबर की फॉर्मेटिंग है वो मुझे रखना है, तो पेस्ट स्पेशल करते समय मैं वैल्यू को ना सेलेक्ट करके वैल्यू एज ए नंबर फॉर्मेट, या फॉर्मूला को ना सेलेक्ट करके फॉर्मूला एज ए नंबर फॉर्मेट को सिलेक्ट करूंगा। देखिए वैल्यू एज ए नंबर फॉर्मेट को सिलेक्ट किया एंड ओके किया, तो मेरी बाकी किसी भी तरह का फॉर्मेटिंग नहीं है, बाकी किसी भी तरह का फॉर्मेटिंग यहां पे नहीं आया। बट जो डेट के फॉर्मेट्स है वो फॉर्मेट आ गया। तो अब बाशी जी एंड सर्वेश जी, सुधीर जी, कोई डाउट इसमें? नहीं सर, कुछ नहीं। नहीं सर। आगे बढ़ते हैं। अब अगला ऑप्शन है, जैसे कि मैंने यहां पे 30 लिखा और यहां पे 20 लिखा, अब 30 को कॉपी करके 20 पे पेस्ट करता हूं तो 20 30 से रिप्लेस हो जाता है, जाहिर सी बात है। लेकिन पेस्ट स्पेशल में एक ऐसा ऑप्शन है ऑपरेशंस, जिसमें डिफॉल्ट तो नन सेलेक्ट होता है, लेकिन अगर मुझे इस पे ऐड को सेलेक्ट कर लिया तो 30 क्या करेगा, 20 को रिप्लेस नहीं, दोनों के बीच में मैथमेटिकल कैलकुलेशन होगा एडिशन का और यहां पे आपका 50 होगा। ओके क्लियर है सर? बट इसका बेनिफिट क्या है, तो चलिए उससे पहले हम परसेंटेज को समझते हैं कि एक्सेल में परसेंटेज कैसे लिखा जाता है। देखिए अगर आपको मुझे 20% लिखना है तो 20% का सिंबल देंगे तो 20% हो जाएगा, लेकिन अगर मैंने 20 लिखा उसके बाद इसके ऊपर परसेंटेज का सिंबल दिया तो 2000% हो जाएगा। ओके, मतलब कि मुझे 0.20 करना पड़ेगा और फिर इस पे परसेंटेज का सिंबल देना पड़ेगा, राइट? एक प्रॉब्लम क्या है इसमें, प्रॉब्लम ये है कि मेरे कलीग थे वो मुझे एक डेटा भेजते थे, वो हेडिंग देते थे परसेंटेज का और मुझे डेटा जो है इसी तरह से भेज देते थे, क्योंकि मैं एक सिंपल सा बना रहा हूं यहां पे। अब क्या है कि मुझे अपने जहां डेटा, इस डेटा को यूज करना होता है वहां का सेटिंग है कि परसेंटेज चाहिए, क्योंकि 11 यहां 11 नंबर फॉर्मेट में,
बट मुझे चाहिए 11%। अब मैं यहाँ पे परसेंटेज का सिंबल लगाऊंगा तो 11,000% हो जाएगा, क्योंकि एक्सेल में 1 = 100% होता है। समझ गए? क्या करें, हम क्या करते थे, किसी भी एक सेल में 100 टाइप करते थे और फिर उस 100 को कॉपी करते थे और पूरे एरिया को सिलेक्ट कर लेते थे और इस पे पेस्ट स्पेशल और मैं डिवाइड कर देता था। मतलब कि हर नंबर को 100 से जब डिवाइड करूंगा तो सारे डेसिमल में आ जाएंगे, फिर मैं जब परसेंटेज का सिंबल दूंगा तो सारे परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएंगे। ऐसा ही मैंने किया और फिर परसेंटेज पे क्लिक कर, सारे परसेंटेज हो गए। समझ में आया सर? राइट सर। आशीष जी, सुधीर जी? राइट सर, राइट जी सर। डाउट तो नहीं ना? नहीं सर। नहीं सर। तो इस तरह का यूज है, तो आप भी इस पे रिसर्च कीजिएगा, एक आध यूज आप भी बताइएगा, ठीक है? इसी तरह से उसमें जो है पेस्ट स्पेशल में आपके डिवाइड है, सब्ट्रैक्ट है, मल्टीप्लाई है, सब सारा फॉर्मेट उसी तरह से है, ठीक है सर। अब एक चीज और आता है, जैसे कि मेरे पास कुछ लिस्ट ऑफ डेटा है, मान लीजिए लिस्ट ऑफ डेटा है मेरे पास, मुझे इस डेटा को मैंने क्यूसी में डाला हुआ है। अब क्रॉस चेक करने के बाद मुझे यहां पे इस तरह का कुछ अपडेशन, मतलब कि जैसे क्यूसी टीम ने चेक किया तो बोला कि एक गलती है, यहां भी गलती है, यहां भी गलती है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसको अपडेट करना है इसके ऊपर। तो मैं अगर एक एक करके क्योंकि पूरा कॉपी पेस्ट करूंगा तो फिर ब्लैंक भी अपडेट हो जाएगा ना, ब्लैंक मतलब सही है, मतलब मुझे एक एक करके 65 को यहां पेस्ट करना है, 85 को यहां पेस्ट करना है, 46 को यहां पेस्ट करना है, इस तरह कैसे करें। मैंने इसको कॉपी किया और इसके ऊपर पेस्ट स्पेशल और मैंने क्या किया, वैल्यू यहां सेलेक्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहां देखिए स्किप ब्लैंक आपको दिख रहा है। स्किप ब्लैंक क्या करता है कि जिस सेल में कोई वैल्यू नहीं है उसको कॉपी से बाहर कर देता है, मतलब कि वो पेस्ट उसी सेल को करेगा जिस सेल में वैल्यू है, जिस सेल में वैल्यू नहीं है उस सेल में वो पेस्ट नहीं करेगा। और मैं इसको ओके करता हूं, देखिए इसी ऐसा ही इसने किया। इसका बेनिफिट आप ले सकते हैं, बहुत सारी जगहों पे इसकी बेनिफिट होती है, जब यूज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब आता है आपका ट्रांसपोज, मुझे लग रहा है ट्रांसपोज आप लोगों को आता होगा, वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल कर देता है ट्रांसपोज। बात करते हैं पेस्ट एज ए लिंक की, मान लीजिए कि एक सेल को अनोदर सेल से मुझे लिंक करना है तो क्या करें, तो जनरली हम लोग क्या करते हैं कि इक्वल प्रेस करते हैं, उसको सेलेक्ट करते हैं और नीचे ड्रैग कर लेते हैं। ये सेम सीट पे हो रहा है, आप किसी भी सीट पे कर सकते हैं इसको, किसी भी फाइल पे कर सकते हैं। जो मान लीजिए सीट 3 है हमारा, मैंने यहाँ पे इक्वल प्रेस किया, सीट 1 पे आया, सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर, नेम आ गया, फिर इसको सेलेक्ट करके ड्रैग कर। बट कभी कभी क्या हम अलग अलग फाइलों से करते हैं या फिर मुझे पूरा डेटा नहीं कुछ डेटा चाहिए, तो इस तरह के ड्रैग करने वाला सिस्टम थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि किसी और फाइल से करते हैं तो डॉलर साइन लगा देता है। तो मैं बोलूंगा कि इक्वल प्रेस करने के बजाय आप क्या करें, राइट क्लिक करें पेस्ट स्पेशल और इसमें आपको दिखेगा पेस्ट एज ए लिंक। पेस्ट एज ए लिंक करने पे क्या हुआ, अब लिंक हो गया, मतलब कि अगर मैं यहाँ पे 260 पेस्ट करूं, एंटर प्रेस करते ही आपका यहाँ पे ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। ए बिटवीन सी फाइल, मतलब कि सीट के अंदर
डिफरेंट डिफरेंट शीट्स पे या डिफरेंट डिफरेंट फाइल पे भी इसका यूज कर सकते हैं टेस्ट एज ए लिंक। अब बात करते हैं टेस्ट पिक्चर की। जैसे मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि हमें इसको ऐसा बनाना होता है कोई चेंज ना कर सके, या ऐसा कुछ करना होता है कि इसकी साइज को हम छोटा बड़ा करें तो नीचे के डेटा पे फर्क ना पड़े। क्योंकि मान लीजिए इसकी कॉलम बढ़ाता हो तो पूरा कॉलम बढ़ेगा, नीचे के डेटा पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा ना। उस केस में हम इसको कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद यही पे ऑप्शन होता है पेस्ट एज ए पिक्चर्स। पिक्चर इसको पिक्चर की तरह कन्वर्ट कर देता है। अब इसको जितना बड़ा करना चाहे बड़ा कर सकते हैं, जितना छोटा करना चाहे छोटा कर सकते हैं। डैशबोर्ड में इसका यूज हम लोग करते हैं ताकि इस डेटा को अपने हिसाब से कम और ज्यादा यूज कर सके। ओके, इसको रोटेट करना है तो रोटेट भी कर सकते हैं। बट ये डेटा इससे लिंक नहीं होता। अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं चेंज करता हूं तो मेरे इस डेटा में किसी तरह का चेंज नहीं है क्योंकि ये पिक्चर है, इसका कोई लिंक आपस में नहीं। बट मैं चाहता हूं कि इनका आपस में लिंक हो तो मैं कॉपी करूंगा और यहाँ पेस्ट एज ए पिक्चर लिंक पे क्लिक कर देता हूं। पेस्ट एज ए पिक्चर लिंक, पिक्चर लिंक पे होकर करने से क्या हुआ कि ये आपस पे लिंक हो गया। अगर मान लीजिए कि मैंने इसको 40 कर दिया तो एंटर मारते देखिए 40 हो जाएगा। यही नहीं, अगर मैं किसी तरह की फॉर्मेटिंग भी चेंज करता हूं तो यहाँ पे उसकी फॉर्मेटिंग भी चेंज हो जाएगी। चीज अगर मैं नया डेटा ऐड किया तो जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे एक नया डेटा पुनीत का ऐड किया बट इसमें तो नहीं आया। देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी सेल से लिंक होता है तो फॉर्मूले के जरिए ही लिंक होता है। तो फॉर्मूला कहाँ लगा है, तो पिक्चर्स के ऊपर आप क्लिक कीजिए। आपको पिक्चर्स के ऊपर क्लिक करते ही ऊपर दिख रहा है आपको 10 दिख रहा है, मतलब कि 10 तक है, B10 तक, तो B11 हो गया ना। तो 10 को चेंज करके 11 करके एंटर पर प्रेस कर दीजिए, देखिए पुनीत का डेटा आ गया। इस तरह से आप बिना दोबारा कॉपी पेस्ट किए हुए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट सर, दोबारा बताओगे वाला ऑप्शन? सर जैसे कि हमने क्या, कौन सा ऑप्शन चेंज करने वाला? एक ही, हाँ ये कलर वाला जो ऑटोमेटिक। देखिए क्या हुआ, हमने इसको सेलेक्ट किया, इसको कॉपी, जहां हमने पिक्चर किया था ना उसी के बगल में पिक्चर लिंक है, पेस्ट एज ए पिक्चर लिंक, लिंक क्रिएट हो गया। अब ओरिजिनल डेटा पे कुछ भी चेंज होगा तो आपके इस पिक्चर्स पे भी चेंज होगा। नया डेटा ऐड करते हैं तो इसकी एड्रेस को आप इंक्रीज कर लीजिए, ये आपका एड्रेस इंक्रीज हो जाएगा तो आपको वहां पे पूरी डिटेल दिख जाएगी। ठीक है हां राइट, आपको समझ में आया आकाश जी? जी सर। डाउट तो नहीं इसमें? नहीं। अब चलिए हम बात करते हैं एक अगली चीज की, वो है क्लिपबोर्ड की। तो उसके लिए मुझे एक सैंपल डेटा क्रिएट करना पड़ेगा, रुक जाइए। मेरे पास जो डेटा है ये इतने सारे शीट्स पे डेटा आप दिख रहा है, पर मुझे क्या करना होता है कि एक के नीचे कॉपी पेस्ट करना होता है। जैसे कि अगर मैंने इसको कॉपी किया फिर यहाँ पे डेटा शीट पे गया पेस्ट किया, फिर दूसरे शीट पे जाएंगे उसको सेलेक्ट किया कॉपी किया, फिर इस शीट पे सबसे लास्ट में आया और पेस्ट किया। इससे क्या होता है कि हमारा काम जो है काफी बढ़ जाता है। तो मैं ऐसे कहता मैंने ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ऑटोमेटिकली कॉपी पेस्ट हो जाएगा, बट आपकी 50% काम जो है वो आपका कम हो जाएगा। कैसे? आप कॉपी स्टार्ट करने से पहले इस क्लिपबोर्ड के आगे जो एरो का निशान है इसको क्लिक करो।
अब मैं यहां कॉपी कर रहा हूं, मैंने इसको सिलेक्ट किया, कॉपी किया, अब क्या हुआ, कॉपी होते ही इसके अंदर वो ऐड हो जाएगा। तो अब आपको सिर्फ कॉपी करना है, पेस्ट नहीं। कॉपी करते जाइए, सेलेक्ट कीजिए, कॉपी कीजिए, सेलेक्ट कीजिए, कॉपी कीजिए, तो वन बाय वन ऐसे ही सेलेक्ट करते जाइए एंड कॉपी करते जाइए। फिर जहां मुझे पेस्ट करना है वहां पे जाना है, पेस्ट ऑल पे क्लिक कर देना। पेस्ट ऑल पे हो गया, सारा डेटा एक के नीचे कॉपी पेस्ट हो गया सर। 50% काम तो बच गया ना सर। क्या सर? थैंक्स सर। सुजीत सर, हाँ जी, इधर तो अगर पेस्ट लिंक करेंगे तो वो भी काम कर सकते हैं ना? नहीं नहीं नहीं, हाँ पेस्ट सर, वैल्यू वन बाय वन करना पड़ेगा। अच्छा, थैंक यू। जो है आपको तो अगर अगर हम लोग के पेस्ट लिंक करेंगे तो फिर के साथ सारे एक टाइम को? नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। अच्छा, ऐसा करना सही भी नहीं होगा। जैसे आपने इसको कॉपी कर दिया और यहाँ पे पेस्ट, आपने राइट यहाँ पे आपको वन बाय वन करना पड़ेगा पेस्ट लिंक, राइट। अब इसी के, अब इसी के नीचे अगर पेस्ट करेंगे तो कोई फायदा नहीं। क्यों? क्योंकि अगर ये डेटा बढ़ेगा तो फिर इसके नीचे कहाँ जाएगा? फिर इसके नीचे तो आपने दूसरा डेटा पेस्ट कर दिया ना। ओके सर, ठीक है, ठीक सर। पेस्ट स्पेशल का पार्ट था जो कि आज हमने कवर किया। इसमें अगला ऑप्शन आता है पिक्चर लुकअप का। हमने पिक्चर पेस्ट जो पिक्चर किया था उसी पिक्चर लुकअप का ऑप्शन है, बट वो ऑप्शन अभी फिलहाल आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि थोड़ा सा टफ है, लेकिन उसकी वीडियोज मैंने आपको व्हाट्सएप की है, समझे? जी सर। उस वीडियोज को एक बार आप देख लीजिए अभी, फिर कल हम बात करेंगे इसकी आगे के टॉपिक पे। कोई डाउट है, क्वेश्चन हो तो कॉल कर लीजिएगा या फिर कल की क्लास में पूछ लीजिएगा। ठीक है सर।